दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप अपने फ़ोटो के पीछे के बादलों को चला सकते हैं, या फिर कोई जैसे गाड़ी पर फ़ोटो खिंचा हुआ है और आप चाहते हैं गाड़ी के पहियों को घुमाना, तो आप आज जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप घुमा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। मैंने एक फ़ोटो के पीछे के बैकग्राउंड को एक फ़ोटो एडिट किया था, वो एडिट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से उस फ़ोटो को ओपन करके दिखाता हूँ मैं। ये फ़ोटो मैंने एडिट किया है। ठीक है, ये फ़ोटो आपके सामने प्ले हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका बादल चल रहा है। मैंने ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे इफ़ेक्ट को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ जिसमें ऐसा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप ऐसा फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और फ़ोटो को और ये जो एडिट करना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये ऐड ए पब्लिक कमेंट है, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट कर देना है, अपना नाम लिख देना है और कुछ नहीं करना है मुझे, ताकि पता लग जाए कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखना, जैसे ही इस एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे एक वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट में आपको नीचे जाना है, रेड कलर का बटन मिलेगा इंस्टॉल का, उसको दबा के फिर इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो पूरी देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगी कैसे कैसे एडिट करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसे ओपन होगा ये। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, ये मैंने काम किया हुआ है। देखिए रियाज के फ़ोटो पे, मैं न्यू फ़ोटो लेके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से न्यू ले लेना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये इमेज आ जाता है, ये फ़ोटो आ जाता है। यहाँ से गैलरी में जाऊँगा मैं और रियाज का एक फ़ोटो खींचा है मैंने, वो फ़ोटो यहाँ चूज कर लूँगा। मेरा फ़ोटो स्क्रीन शॉट में है तो मैं स्क्रीन शॉट में जाऊँगा, और सबसे नीचे मेरा फ़ोटो है, मैं उस फ़ोटो को चूज कर लूँगा रियाज का। ठीक है, वो फ़ोटो आ गया, यहाँ पर क्लिक करके अब वो फ़ोटो आ गया रियाज का। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मास्क है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आप देख लीजिए, इस तरह से ये रेड कलर में आ जाएगा, इसको इस तरह से पूरे पर मार्क कर देना है। और जिस एरिया को आपको चलाना है, ध्यान रखना आप इतना ही ऊपर का बैकग्राउंड चलाना चाहते हैं ऊपर वाला, तो उसको आपको रेड नहीं करना है, मतलब जिस एरिया को आपको चलाना है उसको रेड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अब इसको रेड कर देता हूँ पूरी तरह से। अब आप देख सकते हैं मुझे जितना चलाना है वो एरिया मैंने छोड़ दिया है, और जो मुझे नहीं चलाना उसको मैंने सबको रेड कर दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपली इस क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब ये जो एरो दिख रहा है यहाँ, ये मोशन, इस पर क्लिक करना है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक हो गया है, अब ऊपर आपको आना है, ऊपर आके यहाँ पर आपको मार्क करना है कि क्या चलाना चाहते हैं। ये चलाना चाहते हैं जिस डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपको एरो लगाना है, और ध्यान रखिए एरो जितना लंबा होगा बादल उतनी ही तेज़ दौड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये एरो लगा देता हूँ। मैंने ये एरो लगा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ ये प्ले का बटन है, इसको प्ले करके देख लेना है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चलने लगा है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से बैकग्राउंड चल रहा है, और आप अगर धीरे धीरे चलाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे पॉइंट लगाइए। ठीक है, एरो छोटे लगाइए, और अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ से बैक जा सकते हैं, यहाँ से बैक चले जाना होता है। अब इसको सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये विद लोगो, क्योंकि ये फ्री है तो विद लोगो के ही आएगा, विद लोगो पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ MP4 पर क्लिक कर देना है और ये सेव हो गई है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो रही है। आप इसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी देखेगा तो चौंक जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव हो जाता है, ठीक है।